हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी कितने बजे हैं? वेट, हाँ 8:30 बज चुके हैं। तो मैं तो रात का खाना पका रही, अभी रोटी पका रही हूँ। रात का खाना वही है, हम लोग जो रात का डिनर है रोटी खाती हूँ। तो हर दिन एवरीडे मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ डाइनिंग टेबल पर और इंडक्शन में। अभी तो बहुत सारे रोटी मैं दिखाऊंगी, कितने सारे रोटी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा गुल्लू खाते हैं, मेरा बाहर पेट्स है, वो बच्चे लोगों के लिए भी बनता है। और सुबह का भी मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के थोड़ा लेट सोती हूँ, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी नहीं उठ पाती। 7 बज जाते हैं तभी उठ के ना, मैं सुबह का जो रोटी शोटी है बनाने के टाइम नहीं होता है मुझे, सो मैं इसलिए बना के रख देती हूँ रात में। इससे मुझे थोड़ा इजी हो जाता है। ये है सब्जी, देखो मैं आज उतना बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो करूँगी। ये है सब्जी, ये मैंने इधर रखा है क्योंकि ये गर्म हो जाएगा। और इधर देखो मेरा गुल्लू बैठा है, सो गया, अभी तो सो गया। अभी जिसे उसका नाम लिया और उसने आ गया मेरे पास। और भी बहुत सारे रोटी, अभी 5-6 रोटी बनाऊंगी। देखो कितना सारा रोटी बनाई मैं, ये मैं एवरीडे बनाती हूँ, एवरीडे इतना सारा रोटी लगता है, क्योंकि गुल्लू 4 रोटी खाएगा अभी और सुबह 4 खाएगा, ठीक है। और बाहर जो बच्चे हैं वो उसको वो खाएगा 1 सेकेंड, और बाहर जो बच्चे हैं वो 3 3 6 तो 6 और 8 14 तो यहाँ ही चला गया, 14 रोटी। और हम लोग तो 2 2 करके खाते हैं, तो ये बच्चे लोगों के लिए ज़्यादा लगता है सच्ची। और मैं एवरी डे इतना सारा रोटी पकाती हूँ और इतना सारा आटा भी मुझे गूंदना पड़ता है। अभी एक हैबिट हो गया बच्चे लोगों के लिए कि जब टाइम हो जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे लोगों को तो भूख लग गई, जल्दी जल्दी आके मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि 9 बजे के अंदर मैं ये सब पेड्स वगैरह को दे देती हूँ। तो ये एक क्या बोलूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलूँगी, अंदर का चाह है, ये बच्चे लोगों के लिए प्यार है, क्योंकि वो लोग वो कुछ नहीं बोले। अभी उस दिन क्या हुआ ना, दोपहर का सिर्फ 12 बजे है, 11:30 12 बजे तक लंच देती हूँ, थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया, 11:30 बज के थोड़ा 10 मिनट, और कितना मुझे पुकार रहा है कि को अभी कौन है जे ये बच्चे लोगों को खाना ना देके कौन ऐसा कर सकेगा, कोई भी नहीं मेरे ख्याल से। अनकंडीशनल लव है ये, जिसको मिला ना वो ही समझ सकता है कि इस सैक्रिफाइस में भी एक क्या बोलूँ, बहुत सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैं बहुत सैक्रिफाइस करती हूँ ये बच्चों के लिए, कि वो बाहर नहीं निकलती, कहीं पर नहीं जाती, क्योंकि खाना टाइम से नहीं खा सकता, ये सब सोच के देखो मैं ये डब्बा इधर ही रख देती हूँ ऐसे। तो ये सब सोच के मैं, फैन चल रहा है ना और पूरे बाल आके ना मेरे मुंह पे गिर रहा है, बहुत दिन पहले किया, मतलब बहुत दिन बात कर रही हूँ विदाउट एनी मेकअप। घर की जो हालत होता है उसी मैं एक सीरीज देखती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक क्या बोलूँ बहुत ही लगाव हो गया वो सीरीज। मैंने पहले एक बार ख़त्म कर चुकी मेरी सुल्तान सुलेमान,
तो वो 500 या 450 एपिसोड है, तो मैं एक बार ख़त्म कर चुकी, फिर से स्टार्ट किया। ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग है, दिन भर वही देखते रहती हूँ और मैं वेट करती हूँ कब मैं ये फुर्सत मिला कब देखो। मैं खाना पकाती हूँ, वो सीरीज चलता है मेरे सामने एवरी टाइम, जब भी टाइम मिलता है सुबह से तभी मैं वो सीरीज चलाती हूँ। अभी चल रहा था तो मैं सोची चलो ये थोड़ा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इवनिंग में रात का डिनर मैं कैसे पकाती हूँ और इतना सारा रोटी एवरी डे पकाती हूँ, मैं तो मुँह से बोलती हूँ मुझे रोटी पका, तो आज तो आप लोगों को दिखा दिया इसका हकीकत। ये देखो, ठीक है, अभी 4 रोटी बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये सब करती रहूंगी और ये तो देख लिया आप लोगों ने सारा कुछ, और ये दिखाना बाकी है। ये तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए रात में गुलाब जामुन, क्योंकि रसगुल्ला भी आता है, अभी गुलाब जामुन लेके आए कल मेरे हस्बैंड ने, तो खा नाइट में लगता है डिनर के साथ, एक तो लगता ही है, कुछ ना कुछ मीठा लगता है हम लोगों का। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ना, मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि अभी तो और 3 है बाकी मेरा रोटी बनाना, तो ये बना के ये जगह क्लीन करूँगी, फिर बच्चे लोगों को खाने के लिए दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी, ठीक है। फिर गुल्लू को क्या परेशानी हुआ मालूम नहीं, क्या है उसको बाहर जाना है शायद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा वाला कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा।